हेलो एवरीवन, मैं हूँ साजिदा। दोस्तों, आज मैं आपको मैगी और फ्रेश कॉर्न से बनी एक ऐसा नाश्ता देने जा रही हूँ। एक बार अगर आप ये बना लेंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तेल को गरम कर लिया है और छोटा चम्मच मैं जीरा ऐड करूँगी, साथ ही कुछ कड़ी पत्ते तोड़ के डाल दूँगी। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और टेस्ट के हिसाब से आप हरी मिर्ची भी ले लीजिए। और एक छोटा सा प्याज मैंने जो बारीक बारीक सा कट कर लिया है उसको ऐड करना है। थोड़ा से मिक्स करेंगे। अब हमें क्या करना है, हल्का सी कलर आ जाए तब हम इसमें सब्जी ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हमें ऐड करना है फ्रेश कॉर्न। आप चाहो तो यहाँ पे अपनी मन पसंद की कोई भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अभी सीज़न है कॉर्न का तो आप कॉर्न का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो हमें 1 कप से थोड़ा से कम मैंने कॉर्न लिया है। ये फ्रेश कॉर्न अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद नमक ऐड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने हाथों से नमक ऐड कर लिया है। एक होता है ना वो अंदाज़ा, तो मैं इस तरह से कभी कभी नमक ऐड कर लेती हूँ। तो देखिए, अब सूखे मसाले ऐड कर लिया है मैंने, जैसे कि धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर, साथ ही थोड़ा सी हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। इन सब के अलावा जो हमारे पास टेस्ट मेकर है, जो मैगी में जो मसाला आता है ना उसको ऐड करना है। अब सबको मसाले को भूनना है। थोड़ा सी मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, बहुत ही अलग सा टेस्ट आएगा इससे। ये एवरेस्ट का गरम मसाला ऐड कर रही हूँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, आप भी इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अब इन सबको अच्छे से भून लेना है ताकि सारे मसाले आपस में भून जाए और सब्जी भी पक जाए हमारी। तो चलिए, मसालों में थोड़ा सी पानी ऐड करके हमें 1 मिनट तक का भून लेना है ताकि हमारा मसाला सब्जी वगैरह जले ना और हमारा मसाला भी खूब बढ़िया से भून जाए। तो चलिए, अब इसको 1 मिनट तक का भून लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा मसाला भून गया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है जो हमने गरम मसाला ऐड किया था। तो अब बारी है हमें इसमें नूडल्स जो ऐड करने की। नूडल्स को इसी तरह से डाल के रख दीजिए, थोड़े टाइम में ये अलग होने लगेगा। तो जो हमारे पास नूडल्स है, आप कोई भी नूडल्स ले सकते हो इसके अलावा। तो देखिए, कुछ ही सेकंड में ये अलग होना शुरू हो गया है। कोई भी चम्मच या फॉक की हेल्प से आप अलग भी कर सकते हो इस तरह से। अभी इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से सब्जियों के साथ सारी, खूब बड़ा से। अभी तो ये सूपी नूडल्स टाइप का लग रहा है, आप चाहे तो इसी तरह से रख भी सकते हो। थोड़ा सी और पानी ऐड करके अच्छे से पका लीजिए, इसी तरह से भी रख सकते हो या फिर पानी को जो अच्छे से सुखा लीजिए, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो अच्छे से इसको 1 मिनट तक का और पकाएंगे, फिर हमारा जो नूडल्स है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा नूडल्स जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। गर्मा गर्म मैगी आप देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, गैस को करेंगे बंद और थोड़ा सी धनिया पत्ता जो है ना ऐड कर लेंगे, जिससे इसका स्वाद जो है ना बढ़ जाएगा। तो देखिए, गर्मा गर्म हमारा कॉर्न्स मैगी जो बनकर तैयार है। गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए, खूब सारे स्पाइसेस ऐड कर सकते हो आप, बहुत ही मज़े की लगती है ये रेसिपी। आई होप यू एंजॉय दिस रेसिपी।